Hello viewers, today I am going to tell you a C structure. A structure is a user-defined data type allow you to store a multiple variable of any type in one place. Variable present in a structure. Variable present in a structure is called a member of the structure. They can hold any number of variables and can make an array of a structure. The flexibility makes structure ideally useful for creating database in C. Structure जो होता है array ही की तरह होता है, लेकिन structure में array में हम same type की value को store करते हैं, structure में हम different type की value को store करते हैं. तो different variable जब एक जगह पर as an array काम करता है, तो वो structure कहलाता है. Defining a structure. To define a structure, you must use the structure statement. The structure statement defines a new data type, which is more than one member. The format of the structure statement is as follows. The structure ka statement hum kaise likhte hain? Isko yahan pe declare kar define karte hain. Pehle likhenge struct, fir likhenge structure tag. तो टैग का क्या मतलब है कि उस स्ट्रक्चर का नाम. तो यहाँ और फिर अंदर देंगे मेंबर्स का डेटा टाइप, जिसमें मेंबर डेफिनेशन, डेटा टाइप वेरिएबल वन, वेरिएबल टू, जो इंट, करेक्टर, फ्लोट, कुछ भी हो सकता है, और वन और मोर स्ट्रक्चर वेरिएबल. यहाँ पर एक ही स्ट्रक्चर के कई इंस्टेंस हम डिफाइन कर सकते हैं. कई इंस्टेंस मतलब ये स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री, अगर स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया है. द स्ट्रक्चर टैग इज ऑब्टेन एंड ईच मेंबर डेफिनेशन इज अ नॉर्मल वेरिएबल डेफिनेशन सच एज इंट आई और फ्लोट आई और एनी अदर वैलिड वेरिएबल डेफिनेशन. जो अभी हमने आपको बताया कि उसमें वेरिएबल किसी भी टाइप का हो सकता है. एट द एंड ऑफ द स्टूडेंट डेफिनेशन, स्ट्रक्चर डेफिनेशन, बिफोर द फाइनल semicolon, you can specify one or more structure variable, but it is optional. Here is a way you would be define, declare the book structure. अब book एक से ज़्यादा book हो सकती है. हम एक book का detail जब define करते हैं, तो वो array यहाँ पे ले रखी हमने. character title array क्यों लिया? क्योंकि हमें बुक का पूरा नाम चाहिए. तो टाइटल जब एरे डिफाइन करेंगे तो 50 करेक्टर तक आपकी बुक का नाम इसमें आ सकता है. फिर ऑथर नेम होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बुक आईडी होगी. जनरली बुक आईडी कई डिजिट की होती है, लेकिन हमने सिंपल ही लिया है. और उसके बाद जो बुक बाद में डिफाइन किया है, वो एक इंस्टेंस है, मतलब एक बुक की वैल्यू है. और स्ट्रक्चर बुक्स जो है वो एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया, जिसके कई इंस्टेंस हो सकते हैं. तो यहाँ पे हम बुक वन, बुक टू, बुक थ्री, बुक फोर लिख सकते हैं. इनिशियलाइज स्ट्रक्चर. अब स्ट्रक्चर जब डिफाइन हो जाता है, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं? स्ट्रक्चर कैन बी इनिशियलाइज व्हेन दे आर डिक्लेयर. दिस प्रोसीजर इज सिमिलर टू दैट ऑफ इनिशियलाइज एरे. और वो ऐसा ही होता है जैसे कि हम एरे में इनिशियलाइजेशन करते समय करते हैं. For example, structure sale, character customer 20, character item 20. Customer 20 क्यों लिया है? Customer का पूरा नाम होगा, item होगा, और float amount, और कितना पैसा उसने दिया उसका detail sale में होगा. और उसको initialize किया किस instance? My sale. उस particular customer के sale से define किया, जिसमें उसका कस्टमर नाम एक्स वाई जेड इंडस्ट्री है, और उसने कोई टूल किट लिया है जो 600 रुपए का है. तो यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल को. हियर इंस्टेंस इज इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन. अब इंस्टेंस क्या है? इंस्टेंट माई सेल है. क्या है? माई सेल. माई सेल नाम के एक इंस्टेंस को हम लोग ने डिफाइन कर दिया. अब हम इनिशियलाइज करेंगे स्ट्रक्चर दैट कंटेन द स्ट्रक्चर एज मेंबर. मान लीजिए कि स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे एक्सेस करेंगे?
तो पहले हमने डिफाइन किया स्ट्रक्चर कस्टमर, जिसमें फर्म का नेम और उसका कॉन्टैक्ट है। दूसरा में स्ट्रक्चर का सेल डिफाइन किया, जिसमें कस्टमर का बायर कौन है, सेल में बायर कौन है, कौन सा कस्टमर बायर है उसको डिफाइन किया, कौन सा आइटम लिया और कितना अमाउंट उसने लिया। फिर से जो पुराना वाला हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया था उसको अब जोड़ दिया कस्टमर से, जिसमें कस्टमर की फर्म नेम और कॉन्टैक्ट है। पहले फर्म नेम था, अब फर्म नेम की जगह फर्म नेम और कॉन्टैक्ट भी है। तो कस्टमर बायर वन आइटम 20 अमाउंट फ्लोट अमाउंट कर दिया। अब माई सेल डाला और इसमें देखिए डिफाइन कर रहे हैं डिक्लेरेशन के समय एक्स वाई जेड इंडस्ट्री, कहाँ की इंडस्ट्री है, बॉम्बे की है। तो कॉन्टैक्ट में बॉम्बे चला जाएगा, फर्म में एक्स वाई जेड चला जाएगा, आइटम में टूलकिट चला जाएगा और अमाउंट में 600 चला जाएगा। तो इस तरह से हम डिक्लेरेशन के समय वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं या उसको रीड करके उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो ये क्या देगा, अब इसको एक्सेस कैसे कर रहे हैं हम, माई सेल बायर वन फॉर्म। अब देखिए बायर वन यहाँ पे है और ये फॉर्म को एक्सेस कर रहा, क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर कस्टमर लिया है और बायर वन कर दिया है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को हमने इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन कर दिया है। तो जब एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाता है तो यहाँ से इस वाले स्ट्रक्चर को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए यही ले रहे हैं कि बायर वन का माई सेल, माई सेल क्या है, इंस्टेंस है, माई सेल बायर वन कौन से स्ट्रक्चर से, कस्टमर स्ट्रक्चर का बायर वन जो है उसकी फॉर्म का नाम क्या है और बायर वन का कॉन्टैक्ट क्या है, और उसके बाद उसका आइटम और अमाउंट हम एक्सेस कर रहे हैं। तो एक स्ट्रक्चर के अंदर हम दूसरा स्ट्रक्चर भी डाल सकते हैं। अब स्ट्रक्चर को एक्सेस कैसे करते हैं इजीली, उसको देखने के लिए अब हम पुराने वाले एग्जांपल पे चलते हैं, जो है टू एक्सेस एनी मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर वी यूज द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर डॉट। अभी हमने ऊपर क्या किया, डॉट लगा लगा करके स्ट्रक्चर को पढ़ा। यहाँ पे देखिए माई सेल इंस्टेंस लिया, फिर बायर लिया, फिर डॉट फॉर्म किया। तो बायर वन नाम का जो स्ट्रक्चर बना हुआ था कस्टमर का, वो बायर वन नाम के इंस्टेंस से कस्टमर के फॉर्म को एक्सेस कर रहा था। तो इस तरह से डॉट लगा लगा के मेंबर्स को हम एक्सेस करते हैं। Use the keyword structure to define variable of structure type. अब structure type को हम define कर सकते हैं कि किस type का structure type है। The following example show how to use a structure in the program. अब structure को program के अंदर हम कैसे use करते हैं, define कर दिया, declare कर दिया, initialize कर दिया। अब हम लोग ने book जो define किया था, बुक्स नाम का एक स्ट्रक्चर लिया जिसमें टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, बुक आईडी दिया हुआ है। अब हम मेन में जाएंगे और दो इंस्टेंस डिफाइन करेंगे, बुक वन और बुक टू। जब दो इंस्टेंस हम डिफाइन कर देंगे तो दो बुक की वैल्यू वो ले लेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बुक वन डॉट टाइटल। अब उसका पहला वेरिएबल क्या है, टाइटल है। तो हमने आपको बताया था कि एरे जब एक बार पहले डिफाइन हो जाती है तो फिर उसमें इनिशियलाइजेशन डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, उसके लिए strcpy यूज़ करते हैं। तो strcpy बुक वन ऑथर सुमित किया, तो ऑथर का नाम सुमित हो गया। strcpy बुक वन सब्जेक्ट क्या किया, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। बुक वन बुक आईडी क्या किया, वन कर दिया। इसी तरह दूसरी बुक पर इनिशियलाइज करेंगे, टेलीकॉम बिलिंग अशोक, टेलीकॉम बिलिंग ट्यूटोरियल और बुक आईडी। तो दो बुक है, एक सी की है एक टेलीकॉम की है, दोनों की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। अब इनिशियलाइज करने के बाद उसको प्रिंट कर दिया। तो आप प्रिंट और प्रिंट के का सिंटैक्स आप जानते हैं, बुक वन की टाइटल किया। अब बुक वन एक इंस्टेंस है जिसमें डॉट टाइटल करेंगे, तो बुक वन की टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट और आईडी
प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से टू का भी करेंगे और इस तरह से आउटपुट जो हमने इनिशियलाइज किया है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी स्ट्रक्चर्स में से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन, स्ट्रक्चर को फंक्शन में भी हम यूज कर सकते हैं। अब कैसे फंक्शन में यूज करते हैं, यू कैन पास अ स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन आर्गुमेंट इन अदर पास इन अदर पास इन अदर वेरिएबल और पॉइंटर। वैसे हम किसी वेरिएबल और पॉइंटर को पास करते हैं, उसी तरह से हम फंक्शन को में भी स्ट्रक्चर को पास कर सकते हैं। कैसे पास कर सकते हैं, प्रोग्राम फिर से वही लिया बुक वाला, इसमें स्ट्रक्चर बुक्स डिफाइन है। अब स्ट्रक्चर बुक्स बुक वन बुक टू दोनों डिफाइन कर दिया, उसके पहले एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे void print book structure book book। अब पहले जो हम फंक्शन डायरेक्ट प्रिंट कर रहे थे स्ट्रक्चर को, उसको फंक्शन के थ्रू प्रिंट करेंगे। फंक्शन के थ्रू प्रिंट करने के लिए हम फिर से वही करेंगे, उसमें वैल्यू strcpy से डाल देंगे जैसे पहले डाला था। फिर प्रिंट करने के लिए अब प्रिंट करने की जगह दे देंगे प्रिंट बुक बुक वन। तो प्रिंट बुक बुक वन जब हम कहेंगे तो बुक वन नाम का स्ट्रक्चर प्रिंट बुक में बुक में चला जाएगा, स्ट्रक्चर बुक्स बुक। अब यहाँ पे एक फंक्शन में बुक जो है वो बुक वन को लेगा और उसके वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो जहाँ हम बुक वन डॉट ऑथर ले रहे थे, वहाँ पे अब बुक डॉट टाइटल बुक डॉट ऑथर बुक डॉट सब्जेक्ट और बुक डॉट आईडी हो जाएगा। अब ये कॉमन बुक हो जाएगा जो बुक वन को भी लेगा और बुक टू को भी लेगा। अब हम देखें यहाँ कॉल कर रहे हैं प्रिंट बुक बुक टू, तो बुक टू जो है फिर बुक में आएगा और बुक टू को भी प्रिंट कर देगा। आउटपुट सेम होगा लेकिन अब हम प्रिंटिंग जो है वो फंक्शन के थ्रू करा रहे हैं। और फंक्शन अगर आपको नहीं आता है तो मेरा जो ट्यूटोरियल फंक्शन का है उसको अच्छे से आप देख लीजिए मेरे प्लेलिस्ट से, और फंक्शन को पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर एंड एरे, अब जब एक दो वैल्यू, अब देखिए दो बुक को डिफाइन करने के लिए दो बार फंक्शन भेजना पड़ रहा है, दो बार रीड करना पड़ा, दो बार प्रिंट करना पड़ रहा है। तो जब ढेर सारा डेटा होगा तब हम स्ट्रक्चर में एरे को यूज करते हैं। एज वी नो डेटा ऑफ हेट्रोजीनियस नेचर कैन बी ग्रुप टूगेदर टू रेफरेंस एज अ सिंगल यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर। When we require to manage huge data, that it is better option to declare an array as an instance of structure। जैसा कि हमने पहले भी array पढ़ाते समय आपको बताया था कि जब ढेर सारा data होता है तो हम array use करते हैं, as an instance यहाँ पर use करेंगे और अपनी problem को solve करेंगे। कम description में, कम कोडिंग में हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। इट मीन्स दैट स्टूडेंट इज एन एरे ऑफ 20 एलिमेंट विद ईच एलिमेंट इज अ टाइप स्ट्रक्चर स्टूडेंट। यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स को लिया गया है जिसमें 20 स्टूडेंट को लिया गया है जिसमें 10 दे दिया है, इसको ठीक कर देते हैं फिर आपको बताते हैं। हाँ तो अब ये चलिए इसको बताते हैं। 20 स्टूडेंट का डेटा जब हमको लेना है तो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया स्ट्रक्चर स्टूडेंट स्टड स्टड ब्रैकेट में 0, ये स्टड नाम की एक एरे डिफाइन की। और अब प्रोग्राम में जाएंगे, वहाँ पर स्ट्रक्च स्टूडेंट इंट रोल नंबर नेम कोर्स और मार्क्स लेंगे। अब नेम और कोर्स को एज अ एरे डाल दिया है और मार्क्स डाला और इस स्ट्रक्चर के अंदर 4 वेरिएबल डिफाइन किया और जिसको स्टोर एक्सेस करेंगे stud एरे के नाम से स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टूड 20 हम लोग ने जो डिफाइन किया है वो एरे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। अब हम इंट आई एक वेरिएबल ले लेंगे और फॉर का लूप चला देंगे और इस एरे में वैल्यू को 1 by 1 एरे के थ्रू स्ट्रक्चर में वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे किया प्रिंट एफ एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट।
I plus 1. I plus 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि I 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो I plus 1 करेंगे. तो फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर कहाँ स्टोर हो रहा है? स्टूडेंट STUD नाम की एरे के अंदर रोल नंबर 1 by 1 स्टोर हो रहा है. तो I की पोजीशन जब 0 होगी तो उसके चार वैल्यू स्टोर होगी, फिर 2 होगी तो 1 होगी, फिर इसी स्टोर होगी, फिर इसी तरह से 20 स्टूडेंट की वैल्यू यहाँ पर 1 by 1 फॉर के लूप में स्ट्रक्चर के अंदर एरे के थ्रू स्टोर हो जाएगी. जब वैल्यू स्टोर हो जाएगी तब उसको प्रिंट करेंगे एरे के थ्रू, और एक ही जगह पर डिफाइन करके ढेर सारे स्टूडेंट की वैल्यू स्ट्रक्चर के अंदर एरे के थ्रू स्टोर कर लेंगे. तो इस तरह से वैल्यू हमारी एरे के थ्रू स्टोर भी हो जाएगी और प्रिंट भी हो जाएगी. यहाँ पे देखिए रोल नंबर ऑफ %D स्टूडेंट इज %D दिया, तो आई प्लस वन दे देगा फर्स्ट पोजीशन, और स्टूडेंट आई रोल नंबर फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर दे देगा, और इसी तरह से 200 स्टूडेंट के रोल नंबर को प्रिंट कर देगा. पॉइंटर टू स्ट्रक्चर. पॉइंटर टू स्ट्रक्चर क्या है? यू कैन डिफाइन अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर इन द सेम वे एज यू डिफाइन अ पॉइंटर टू एनी अदर वेरिएबल. जैसे हम किसी वेरिएबल का पॉइंटर डिफाइन करते हैं, वैसे ही हम स्ट्रक्चर का पॉइंटर डिफाइन कर सकते हैं. तो कैसे लिखेंगे? स्ट्रक्चर बुक्स स्ट्रक्चर स्टार स्ट्रक्ट पॉइंटर. अब इसमें हमने स्ट्रक्चर के पॉइंटर को स्टार लगाकर बुक नाम के स्ट्रक्चर को का पॉइंटर बना दिया. Now you can store the address of a structure variable in the above defined pointer variable. To find the address of a structure variable, place the ampersand operator before the structure's name as follows. अब किसी भी pointer में हमने आपको बताया था कि जो value store होती है वो क्या होती है, किसी variable को point करती है और उसका address store करती है. तो ampersand book नाम के स्ट्रक्चर के एड्रेस को स्ट्रक्चर पॉइंटर स्टोर कर लेगा. टू एक्सेस द मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर यूजिंग अ पॉइंटर टू दैट स्ट्रक्चर यू मस्ट यूज द एरो ऑपरेटर एज फॉलोज. अब देखो मेंबर को एक्सेस करने के लिए इंस्टेंस के लिए डॉट लगाते थे, यहाँ पर पॉइंटर को एक्सेस करने के लिए एरो लगाना पड़ेगा. तो स्ट्रक्चर पॉइंटर एरो टाइटिल इस तरह से लिखेंगे कि बुक की टाइटिल क्या है. तो डिफाइन तो सेम ढंग से स्ट्रक्चर को करेंगे, लेकिन उसका पॉइंटर क्योंकि डिफाइन किया है तो void print book struct book star book. अब स्टार बुक में क्या आएगा? ampersand जो भी बुक वन या जो भी हम लोग ने डिफाइन करेंगे मेन में प्रिंट करने के लिए वो आएगा. ये देखिए ये डिफाइन कर रहा है struct books book वन structs book book 2. तो दो बुक हम लोग ने जैसे डिफाइन की थी किया, यहाँ पर बुक वन स्पेसिफिकेशन क्या है? बुक वन टाइटल ऑथर सब्जेक्ट बुक आईडी इक्वल्स टू 1. यहाँ पे वही पूरा पहले इनिशियलाइज कर रहा है, फिर उसके बाद उसको कॉल कर रहा है प्रिंट करने के लिए. तो प्रिंट बुक, देखिए अब बुक के आगे एम्परसेंट लगा दिया. एम्परसेंट लगाने का मतलब है कि वैल्यू पॉइंटर में जा रही है. तो यहाँ पे void print book struct book star book इसीलिए उन्होंने define किया है तो प्रोग्राम में. तो book star book जब हम define कर रहे हैं तो यहाँ पे ampersand जा रहा है इस वाले फंक्शन में. अब इस फंक्शन में प्रिंट बुक कर रहा है और स्टार बुक लिया तो वो पॉइंटर आ रहा है इसमें. तब यहाँ प्रिंट करेंगे बुक. देखिए अब यहाँ पे जब पॉइंटर होगा तो एरो लग के टाइटल लगेगा, डॉट नहीं लगेगा. तो पॉइंटर के केस में डॉट ना लगकर एरो लगता है, और इस तरह से हम स्ट्रक्चर की वैल्यू को एक्सेस करके प्रिंट कर देंगे और आउटपुट जैसे एज इट इज आएगा, जैसे हमेशा आता है. सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर. इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल. अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और मेरे सारे सोशल मीडिया को फॉलो कर लीजिए. सी इज़ द बेस लैंग्वेज फॉर ऑल अदर लैंग्वेजेस. और अगर आपको सी आती है तो आप पाइथन जावास्क्रिप्ट जावा सब बहुत अच्छे से कर सकते हैं.
So please subscribe and share. Thank you. And go to my community to comment on my video and ask the question in comment if anything is not clear to you. Thank you.